नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है टिंटिन और जैसे हम लोग बोलते हैं कि 8 बजे हम संडे को हम लोग आते हैं आपके साथ गपशप करने और आपके साथ थोड़ा टाइम गुजारने. हमारे साथ है वाहिद जी, वाहिद सिद्दीकी. वो एक्चुअली बांग्लादेश ढाका से है और ढाका तो हम लोग जानते हैं कितना बड़ा एक शहर है, कितना एडवांस है. बांग्लादेश का प्राइड है ढाका. और वाहिद भाई भी एक टेक्निकल इंसान है और वो एक्चुअली एक आईटी एक्सपर्ट है. उनका आईटी कंपनी है और पेशे से वो आईटी एक इंजीनियर है. वाहिद भाई आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं इस फील्ड में. जो बांग्लादेशी जब हिंदी बोलता है इतना ही स्वीट लगता है सुनने में. सही है. अच्छा है, एकदम सही है. हाँ. और मेरा हिंदी इंग्लिश हिंदी जो चाहे मिला के. अच्छा ठीक है. हिंदी बहुत ही अच्छा था क्योंकि मेरा मैं 7 साल के ऊपर दुबई में गुजारा. उस टाइम मेरे को सिर्फ हिंदी में ही बात करना पड़ता था. तो आईटी एक्चुअली क्या है, पैशन से ज्यादा क्या हो गया, ये बच्चा जैसा हो गया. क्या बच्चा जैसा? बच्चा जैसा, क्योंकि इसके बगैर मैंने क्या बोलता है बच्चा और बीबी जैसा शायद अच्छा रहेगा. उतना भी बुरा नहीं है आईटी. गैम्बलिंग एक बहुत बड़ा एक मतलब एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना चाहे आप बात कर सकते हैं. हमारे साथ एक कॉलर है, उनका नंबर खत्म होता 10 से, वो बात करना चाहते हैं. आपका नाम क्या है सर? My name is Sagar. Huh? I used to work with Wahid quite long time. Aapka salary mil gaya aapko? Aapne salary ke liye phone kiya kya? Yeah. Sorry, kya hai? Aapka salary due hai kya? Sagar, kemon acho? Hey, bhalo achi. Nahi, nahi, salary ke liye. Mera question tha actually. एक्चुअली मैंने उनके साथ बहुत पहले काम कर चुका हूँ. तो फिर अभी मेरे को जानना था कि अभी वो कहाँ पे और क्या कर रहा है. मैंने सुना उसका कोई वेंचर है जो इसके लिए वो काम कर रहा है. तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि उसका नया वेंचर क्या है और इसमें नई जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है. तो दो आंसर दो. हाँ जरूर. अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच. कोई बात नहीं है. थैंक यू सागर. नया वेंचर एक्चुअली क्या है, वो जो पहले ही बता रहा था. तो मेरा जो सेकेंड वाइफ है जो आईटी है, कंप्यूटर है, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्राई कर रहा हूँ. नया कुछ नहीं है ये, एक्चुअली मेरे लिए नया है क्योंकि मैं कभी भी बिजनेस में नहीं रहा. तो मैंने हमेशा 9 to 5 के चक्कर में ही चक्रभूमि में फंस गया. सो और जब मेरा एक्चुअली फैमिली प्लान किया तो उस टाइम से ही मैंने सोचने लगा क्योंकि हम लोग इधर फर्स्ट जनरेशन ऑस्ट्रेलियन हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है. बहुत रोटी बेलना पड़ा, पापड़ बेलना पड़ा. बहुत ही मुश्किल रहता है टिन जो इधर जो फर्स्ट जनरेशन ऑस्ट्रेलियन है. बच्चा संभालोगे, फिर काम भी करना पड़ता है, तो ये मुश्किल होता है. और हम लोग एक्चुअली जब बच्चा प्लान किया बहुत देर के बात किया और हम लोग रुका नहीं. तो हम लोग एक के बाद एक तीन में आके अटक गया. अब बोले थे आईटी के बारे में क्या? हाँ, अच्छा काम तो मैंने हमारा एक्चुअली मैं तो हमेशा ही क्रेजी रहा कंप्यूटर में. उसके लिए मैंने एक कंप्यूटर ओपन किया, उसको क्रेजी आईटी बोलते हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग एक्चुअली स्मॉल टू मीडियम बिजनेस को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो. और नया कुछ लेने के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहा हूँ. हमारा खुद का प्रोडक्ट है जो हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भी हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है. बांग्लादेश में मेरा 10 से 15 आदमी काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, नया कुछ लेके आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया वाइड भी हमारा एक प्रोडक्ट जाएगा और हमारा नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हम लोग क्रेजी टिकट्स बोल के. उसके थ्रू इवेंट्स का टिकट बुक करा सकते हैं. मैंने हमेशा गिग्स रहा, टेक्निकल गिग्स रहा. इसके लिए हमारा गिग्स का भी थोड़ा बहुत धंधा है जो हम लोग घर घर जाके कंप्यूटर सर्विस और सपोर्ट करता हूँ. तो ऑन कॉल बेसिस हम लोग जाके ये कर रहा हूँ. मतलब पूरा बिजनेस में आ गया आप का पर्सनल इंटरेस्ट है. मैंने एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म शूट किया था लास्ट ईयर. मेरा जब 9 to 5 जॉब खत्म करने के बाद मैंने बांग्लादेश में गया था. मेरा बहुत ही इंटरेस्ट रहा फीमेल फीमेल के ऊपर. आपका पहले से इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट है फीमेल के ऊपर. तो फीमेल के ऊपर किसका इंटरेस्ट नहीं है? किसका? ये तुम बताओ किसका इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा, फीमेल के ऊपर फीमेल का भी इंटरेस्ट रहता है. तो एक्चुअली तो हमारा आपने बात बहुत सही बोला क्योंकि कोई कोई लड़की अगर सज सज के निकलती है ना, लड़कों से ज्यादा लड़कियां देखती है.
घूर घूर कर देखते हैं ये साड़ी कहाँ से मिला, मुझे नहीं मिला उसको मिल गया, ऐसा होता है। जो बोले थे वो जो मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट है एक थोड़ा सीरियस प्रोजेक्ट ही था, जो फीमेल का जो प्रॉब्लम हमेशा ही रहा सब कॉन्टिनेंट में, फीमेल का ऊपर जो अत्याचार होता है उसका ऊपर मैंने बनाया था। व्हाट डिड यू एक्चुअली प्रोजेक्ट देयर? एक्चुअली मैं क्या किया, तीन डिफरेंट क्लास से मैंने तीन लड़की को लिया, ये लोगों का प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया जो क्या क्या प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। जो रूट क्लास का जो है वो घर से ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको स्कूल में नहीं जाने देते, उसको बोलता है तू स्कूल में जाके क्या करेगा, तू तो नारी है, तू तो लड़की है, तो एब्यूज जो है वो घर से ही स्टार्ट होता है। ये डॉक्यूमेंट्री था या पूरा एकदम बनाए थे रियल एक्टर से? रियल एक्टर एकदम रियल एक्टर। कितना टाइम लगा था बनाने में? बनाने में तो हम लोगों को ऑलमोस्ट एक महीना लग गया था। और YouTube में है ये? नहीं, वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, उसका प्रोमो जो है वो अभी फेसबुक में है, YouTube में भी है। वो उसका नाम है हे नारी, जो बंगाली में होता है एक्सप्रेशन, इंग्लिश में हम लोग एक्सप्रेशन करके बोल सकते हैं आह गर्ल। सो बेसिकली ये जो है एक्सप्रेशन होता है जो हम लोग बांग्ला में जो बोलते हैं आह, जो इंग्लिश में बोलते हैं ओह, सो दैट्स सॉर्ट ऑफ इट्स अ पेन, काइंड ऑफ पेन, इट्स अ पेन, ओह आई फील सो सैड फॉर दैट, यू नो दैट गर्ल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस, स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। थैंक यू टिन टिन, एक्चुअली हमको इधर बुलाने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहा।